नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से RMS लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि काइन मास्टर में किसी भी वीडियो पर सिंबल्स जैसे कि एरो आइकन, स्क्वायर आइकन, राउंड आइकन, इस तरह के और भी दूसरे आइकन कैसे ऐड करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में सिंबल या इंडिकेटर ऐड करके आप अपने वीडियो को और भी ज़्यादा प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि काइन मास्टर में किसी भी वीडियो में इंडिकेटर्स या सिंबल्स कैसे ऐड करते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब का रेड बटन देख रहे हैं आप, इसको प्रेस कर दीजिए दोस्तों, और हमारे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए ये बेल आइकन है, इसको भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आप काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद दोस्तों, अब आपको सिंपली इसमें वीडियो ओपन करना है। तो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ से एक वीडियो ले लेता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वीडियो मैं ले चुका हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो ओपन हो जाने के बाद अब हमें इसमें सिंबल ऐड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑप्शन लेयर, इस पर आपको टैप करना है। और यहाँ पर दोस्तों कुछ ऑप्शन ओपन होंगे। यहाँ पर सबसे बॉटम साइड में देख सकते हैं आप हैंड राइटिंग, आपको इसके आइकन पर टच करना है। अब दोस्तों कुछ ऑप्शन यहाँ पर राइट साइड में ओपन होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला वाला जो ब्रश का आइकन है, इस पर आपको टैप करना है। और इस तरह से दोस्तों आपके पास अलग अलग सिंबल्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब आपको जिस तरह का सिंबल अपने वीडियो में ऐड करना है उसको सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, ये मैं सेकेंड वाला एरो का साइन यहाँ पर ले लेता हूँ। अब दोस्तों आपको सिंपली जहाँ पर सिंबल ऐड करना है वहाँ पर अपने फिंगर से इस तरह से ड्रॉ करना है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने ये इंडिकेट किया है इस ऑप्शन की तरफ। इसी तरह से दोस्तों आप भी जिस ऑप्शन पर इंडिकेट करना चाहते हैं यहाँ पर ईजिली ड्रॉ करके कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एरो का साइन। अब दोस्तों आप चाहें तो इसमें स्क्वायर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मैं स्क्वायर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब सपोज दोस्तों ये मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना मुझे, तो इस तरह से दोस्तों आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं स्क्वायर से। और दोस्तों इसके साथ अगर आप इसको राउंड में करना चाहते हैं तो राउंड के लिए आपको सिंपली राउंड को सिलेक्ट करना है, और जिस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, इंडिकेट करना चाहते हैं, उस पर आपको सिंपली ड्रॉ कर देना है। सो फ्रेंड्स, आप इन सभी आइकन्स को अपने वीडियो में ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए दोस्तों आपको सिंपली ये पहले वाले ऑप्शन पे टच करना है और यहाँ पर ये सिंबल्स ओपन हो जाएंगे दोस्तों। इनमें से आपको जो अपने वीडियो में ऐड करना है उसको सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। अब इन सिंबल्स का अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले ऑप्शन पर अगर आप टच करेंगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग तरह के कलर्स हो जाएंगे दोस्तों। अब यहाँ से आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं अपने सिंबल के लिए। तो फिलहाल मैं दोस्तों ये ग्रीन वाला यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे ही दोस्तों आप ये कलर चूज़ करेंगे यहाँ पर एक टिक का साइन आ जाएगा टॉप साइड में, इस पर आपको सिंपली टैप कर देना है। आप जो भी आप ड्रॉ करेंगे दोस्तों तो वो सिंबल उस कलर में ऐड हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थर्ड वाला ऑप्शन है इरेजर का। अगर आप इस पर टच करते हैं तो आप अपनी फिंगर से इन आइकन्स को इरेज कर सकते हैं। इरेजर के जस्ट साइड में दोस्तों आप ये ऑप्शन देख सकते हैं, अगर आप इस पर टच करेंगे तो आप अपने सिंबल को एक साथ ही रिमूव कर सकते हैं। वैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अंडू का ऑप्शन है, अगर आप इस पर भी टच करेंगे तो आपका जो एरो ऐड हुआ है वो रिमूव हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों, अगर आप इस पर टच करेंगे तो यहाँ पर आप अपने सिंबल्स का जो साइज़ है उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैं पहला वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। अब दोस्तों जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे और ड्रॉ करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये काफ़ी लार्ज साइज़ में यहाँ पर ये सिंबल ऐड हो रहा है। इसी तरह से दोस्तों अगर आप इस तरह से नहीं चाहते हैं तो इसका आप साइज़ जो है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कोई भी साइज़ चूज़ कर लेना है, उसके बाद ड्रॉ करना है। सो फ्रेंड्स, अपने वीडियो में कहाँ पर इंडिकेटर ऐड करना है ये आप खुद चूज़ कर सकते हैं। तो आप समझ ही गएंगे दोस्तों कि किसी भी वीडियो में इंडिकेटर या कोई सिंबल्स कैसे ऐड करते हैं, चाहे एरो हो, स्क्वायर हो या फिर राउंड। तो
दोस्तों वीडियो में सिंबल ऐड होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टॉप राइट साइड में राइट का साइन है, इस पर आपको टिक करके इसे सेव कर देना है। आई होप फ्रेंड्स आपको काइनमास्टर में इंडिकेटर ऐड करने की ये जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी के साथ RMS लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।